दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंकिंग डोमेन एज के बारे में। आप जो बैकलिंक्स बनाते हैं, अगर बैकलिंक्स आपको एक एजेड वेबसाइट से मिल रही है तो आपको क्या इंप्रूवमेंट होने वाला है, या आप एक नई डोमेन से क्या लेते हैं, लिंक लेते हैं तो आपको उसमें क्या घाटा हो सकता है, दोस्तों इसी के बारे में हम आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सिंपली अगर आपको समझना है, यहाँ पर एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख रखा है मैंने आपको समझाने के लिए, तो यहाँ देखते जरा क्या दे रखा है इसके अंदर। बैकलिंक्स फ्रॉम एजेड डोमेन्स में बी मोर पावरफुल देन न्यू डोमेन्स, उन्होंने बता रखा है। अगर आपको जो लिंक मिलते हैं, बैकलिंक्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, एक एजेड वेबसाइट से मिलते हैं, तो आपके लिए ये क्या है, बेनिफिशियल पॉइंट दे रखा है, मींस काफी अच्छा पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। अब प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए, आप जब भी बैकलिंक्स बनाएंगे तो ऐसी वेबसाइट से बनाएं इसकी डोमेन एज काफी अच्छी दे रखी है, क्योंकि अगर सिंपली आप न्यू डोमेन से बनाएंगे तो सामने वाली डोमेन न्यू, आपके भी डोमेन न्यू, ना तो उनकी ट्रस्ट दे रखा है गूगल के नजरों में, ना तो आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट दे रखा है। तो अगर आपकी वेबसाइट क्या दे रखी है, न्यू दे रखी है, तो आप अपनी जो बैकलिंक्स बनाए कहाँ से बनाए, एजेड वेबसाइट से बनाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वेबसाइट दे रखी है XYZ, वो 10 सालों से चल रही है, एक वेबसाइट दे रखी है ABCD, तो मान लीजिए आप न्यू जो वेबसाइट दे रखी है ABCD, आप उससे लिंक लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो XYZ वेबसाइट दे रखी है, जो पिछले 10 सालों से चलती हुई आ रही है, अगर वो आपकी वेबसाइट को प्रेफर करती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपकी रैंकिंग पर, कि आप जिस कीवर्ड पर आप रैंक करवाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को, वहां पर आप कितना आपके कीवर्ड दे रखे हैं कितने, और आपके जो कीवर्ड दे रखे हैं कुछ भी रैंक कर रहे हैं तो उन पर क्या मिलेगा, इन्फ्लुएंस मिलेगा, मीन्स गूगल उन पर फोर्स करे कि वो अच्छे से और ज्यादा रैंक हो सके। दोस्तों आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम से जब भी आप बैकलिंक्स बनाएंगे तो एक अच्छी वेबसाइट से बनाएं, ताकि उसकी डोमेन अच्छी दे रखी हो और आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, नेक्स्ट टाइम से बैकलिंक्स बनाते समय आप इसको अपने माइंड में रखेंगे, और इसके बाद मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।